फीट का बेस, 5 फीट का कमल, 31 फीट की मूर्ति, टोटल लंबाई 75 फीट, बिजोलिया पत्थर, 35 लाख रुपए की लागत, 5 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देगी मूर्ति। इससे गुना का विकास होने की संभावना, 17 बीघा जमीन, जैन मंदिर, गर्ल्स स्कूल, हॉस्टल भी, गौशाला के निर्माण भी, साथ ही संतशाला भी होंगे। इन सभी का निर्माण वास्तु के हिसाब से किया जा रहा है। इसी संबंध में आज जैन समाज के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि भगवान बाहुबली की प्रतिमा कल सुबह 8:30 बजे गुना में पधारेगी। टोटल जो ग्राउंड है वो लगभग 17 बीघा है। उस 17 बीघा में सबसे पहले पहले जिनालय बनेगा, यानी बन चुका है। उसके बाद एक गर्ल्स स्कूल बन रहा है, सभी समाज वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो सभी के लिए है। केवल चौथा जिसमें जो भी साधु यहाँ से आवागमन करते हैं उनके लिए एक निवास का कार्य करेगा, जैसे 1 दिन 2 दिन रुकते हैं। पत्थर की वो डैमेज, किसी भी परिस्थिति में डैमेज होने की संभावना लोहे से भी कठिन मतलब क्लिश होता है वो बिजोलिया। ये कितने दिन में मूर्ति बनकर तैयार की कर दी गई कारीगरों द्वारा? परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से उत्तर भारत की सबसे विशाल प्रतिमा, जिसमें 31 फीट की उनकी अवगाहना होगी, उनकी ऊंचाई होगी और 4 फीट का कमल होगा, इस तरह 35 फीट की ये प्रतिमा स्थापित होगी। ये प्रतिमा हमारे नगर के टोल नाका के पास में 16 बीघा जमीन में, इसमें 3 हम लोगों ने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। इसमें शिक्षा संस्थान रहेगा, एक गौशाला रहेगी और एक जिनालय रहेगा, जिसको सर्वोदय ज्ञान तीर्थ का नाम दिया गया है। इसमें ये इसकी स्थापना होगी। कल ये प्रतिमा इस नगर में प्रवेश करने जा रही है। ये जयपुर राजस्थान से बंसीपुर पहाड़ के पत्थर से निर्मित है और इसकी जो लाइफ है वो अनलिमिटेड है। बहुत सुंदरतम प्रतिमा है और इस प्रतिमा का जो आगमन है कल हनुमान चौराहे पर प्रातःकाल 8:30 बजे होगा। ये संपूर्ण नगर का भ्रमण करती हुई लगभग 10:30 बजे लक्ष्मीगंज में पहुंचेगी और वहां से करीब आधा घंटे रुकने के बाद ये लगभग 12:30 बजे ये हमारे जो मूल जिनालय है, जो मूल मंदिर बन रहा है टोल नाके के पास, वहाँ पर पहुँचेगी। वहाँ पर तिलक दान का कार्यक्रम सम्पन्न होगा। विद्वानों की उपस्थिति में हमारे प्रदीप भैया जो भारत के प्रतिष्ठाचार्य हैं वो वहाँ पधारेंगे और उनके निर्देशन में ये सब पूरा कार्यक्रम यहाँ पर होगा और उनकी विधिवत स्थापना वहाँ पर की जाएगी। करीबन कितनी लागत है इस मूर्ति की? लागत कितनी? मूर्ति की लागत लगभग 36 लाख रुपए की ये मूर्ति, एक मूर्ति तैयार हुई है और दूसरी मूर्ति लगभग 7 या 8 लाख रुपए की दूसरी मूर्ति तैयार हुई है। इस तरह टोटल करीब 50 लाख के अंतर्गत मूल्य नहीं होता है इसकी, हम लोग नौछावर राशि दी जाती है, दान देते हैं।